इनकम टैक्स ने पहले से अटैच कर रखा है और ये कार्रवाई जो की है ये नॉर्मल उनका जो प्रोसीजर होगा वो लोगों ने अपना किया होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अहम मुद्दा ये है कि चार्जशीट कब फाइल होने वाला है। जब सुशील कुमार मोदी जी जब माहौल बनाते थे झूठे मुकदमे का तो कहा करते थे कि मेरे पास एविडेंस है और एविडेंस बकायदा दिखाया करते थे। जब एविडेंस जब दिखाया करते थे तो अब तक चार्जशीट में इतना देर क्यों हो रहा, तब तो एक हफ्ते में चार्जशीट कर देना चाहिए था। तो इतना देरी का 150 से भी ज्यादा दिन हो गया है, अब तक चार्जशीट नहीं हुआ है और क्राइम ऑफ मनी कहाँ इन्वॉल्व है, घोटाला हुआ भी है कि नहीं हुआ भी, इसकी की जांच चल रही है। बिहार में ऑलरेडी इतने एस्टैब्लिश्ड घोटाले हो रखे हैं लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और चलिए ठीक है, हम पे कार्रवाई हो रही है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सहयोग करते आए हैं करते रहेंगे, लेकिन क्या ये सवाल जायज नहीं है कि अमित शाह के बेटे जय शाह पे क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? क्या सुशील मोदी जी के परिवार आरके मोदी और रेखा मोदी पे क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है, उन लोगों पे क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? तो ये कहीं ना कहीं से पॉलिटिकली वेंडेटा के हिसाब से, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से ये केस किया गया। ये केस समझना पड़ेगा इसलिए किया गया क्योंकि बीजेपी पहले कोशिश करती रही हम डरे, हम झुके, हम भयभीत हो जाएं, लेकिन हम हुए नहीं। हम अपने विचारधारा से समझौता नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, चाहे फांसी पे चढ़ा दो। लेकिन नीतीश कुमार जी को तुरंत डरा है, तुरंत डर करके उन्होंने सरकार बना लेने का काम किया। तो ये सारा एक्सक्यूज ढूंढा गया कि भाई आखिर जनता के बीच जाएंगे तो क्या बोलेंगे। तो उस हिसाब में हर बार में इन लोगों ने FIR किया। अब FIR तो कर दिया लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। और आप बताइए देश की इतनी बड़ी बड़ी एजेंसी, इतनी नामी गिरामी एजेंसियां, और मेरे ख्याल से कोई एजेंसियां नहीं बची होंगी जो हमारी परिवार का जांच नहीं कर रहा। और ये कोई नई जांच नहीं, आप याद कीजिए 90 के दशक से लगातार हमारे ही परिवार की जांच होती रही है। यही DA केस भी लगाया गया था जिसमें लालू जी के खिलाफ, राबड़ी जी के खिलाफ, लेकिन अंत में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट से हम लोग जीत करके आए। यही बीजेपी के लोग भुनाते रहे उन सारी चीजों को और फिर से वही रणनीति के हिसाब से फिर से जब सत्ता में आए तो फिर से फ्रॉड केस कर देने का काम किया फर्जीवाड़ा। और सदन में नेता सुशील मोदी हमको धमकी देते हैं कि हम जल्दी चार्जशीट कराएंगे, इसका मतलब क्या है? यानी बीजेपी से और नीतीश कुमार से गाइड होती है क्या, अमित शाह से और मोदी जी से गाइड हो रहे हैं क्या एजेंसियां तमाम देश की? तो देखिए जो भी विपक्ष के लोग हैं सभी लोग अगर बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, रोजगार